अनुष्का शर्मा ने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी दूसरी फिल्म बैंड बाजा बारात, जिससे रणवीर सिंह ने एक्टिंग में डेब्यू किया। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और रणवीर और अनुष्का की डेटिंग की अफवाहें भी उड़ने लगी। हालांकि दोनों ने हमेशा ही इससे इनकार किया। दरअसल इस फिल्म में दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग देखी गई थी और खबरें फैली थी कि इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ साल बाद रणवीर ने दीपिका पादुकोण को डेट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा के बीच कोल्ड वॉर था, पर इस पर अनुष्का शर्मा ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें दीपिका या किसी दूसरी एक्ट्रेस से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर काम करने आई है, लड़ाई नहीं। अनुष्का शर्मा ने दीपिका पादुकोण के साथ कोल्ड वॉर पर अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में महिलाओं को हमेशा से इस तरह देखना गलत है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था, मुझे दीपिका या किसी और से कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, लड़ाई झगड़े नहीं। अनुष्का शर्मा ने इस दौरान आगे कहा, मैं जो कर रही हूँ उससे खुश हूँ और वो अपनी जिंदगी में खुश होंगी, और हमारे इर्द गिर्द सभी झूठी खबरें हैं, ये सब डोमिनोज इफेक्ट की तरह है, बस एक कहानी गढ़ने के लिए, मेरे बारे में गपशप करने के लिए एक झूठ की सीरीज होगी। इसलिए मूल रूप से इस इंडस्ट्री में महिलाओं को जिस तरह देखा जाता है वो गलत है। मालूम हो कि अनुष्का शर्मा ने इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से शादी करने और अपने पहले बच्चे वामिका को जन्म देने के बाद फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया है। इस साल फरवरी में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने दूसरे बच्चे अकाय का वेलकम किया। रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जाता है कि अब अनुष्का फैमिली के साथ बाहर ही शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने नहीं आया है। बच्चों के जन्म के बाद अनुष्का शर्मा भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। अनुष्का और विराट ने साल 2017 में शादी की और इसके तुरंत बाद 2018 में दीपिका पादुकोण और रणवीर ने भी शादी कर ली। एक इंटरव्यू में रणवीर ने यह भी कहा था कि अनुष्का उनकी शादी के रिसेप्शन में शामिल हुई थी, उनके लिए ये बेहद खास था। अनुष्का और रणवीर ने आखिरी बार दिल धड़कने दो में साथ में काम किया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, अनिल कपूर और शिफाली शाह जैसे सितारे भी शुमार थे।